हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग मींस कि आपको थ्री डिजिट के नंबर्स को उधार लेना सिखाएंगे कि आप थ्री डिजिट में किस तरह से माइनस करेंगे। आपने पिछले चैप्टर में टू डिजिट के सीखे था, सेम मेथड है, सेम तरीका है। कैसे करते हैं, जैसे देखिए, यू हैव जस्ट लर्न्ड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर्स बाय बोरोइंग। आपने टू डिजिट के नंबर को घटाना सीखा उधार लेकर। इन केस ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स यू कैन बोरो फ्रॉम टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी कि आप थ्री डिजिट के नंबर्स में भी टेंस और हंड्रेड से उधार ले सकते हैं। कैसे करेंगे, एग्जांपल वन है आपका। सबसे पहले देखिए, डिजिट है आपके 483 और 169। तो इसमें देखिए आपको वही बात है कि थ्री हमारा छोटा है और नाइन हमारा बड़ा है, तो थ्री में से हम नाइन को नहीं घटा सकते। तो हमने इधर से टेंस से एक डिजिट उधार ली तो हमारे इधर हो गया 13, और 13 में से हमने 9 को घटाया तो हमारा क्या बचा, 4। समझ में आया। सेकंड स्टेप देखते हैं कि 13 में से हमने 9 घटाया तो हमारा बचा 4। जब हमने इधर से एक डिजिट इधर ले ली तो हमारा कितने बचे, 7, और 7 में से हमने 6 घटाया तो हमारा बचा 1। फिर आगे देखिए, बचा हमारा 4 और 4 में से 1 गया तो हमारा बचता है आंसर 3। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, ये हमारा सिंपल मेथड था, लेकिन अब हम आपको एग्जांपल सेकंड करवाते हैं। इसमें आप कैसे करेंगे, 764 और 289 में से हम कैसे करेंगे। देखिए, इन वंस प्लेस वी हैव, यानी कि पहले हम वंस प्लेस की डिजिट को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, 4 हमारा छोटा है और 9 हमारा बड़ा है, सेम मेथड कि आप 6 से आप एक बोरो उधार लेंगे, बोरो लेंगे, एक डिजिट आपने बोरो कर ली, उधार ले ली, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा गया 14, और 14 में से हमारे 9 गए तो हमारा क्या बचा, 5। जब हमने इधर से एक डिजिट इधर ले ली तो इधर भी हमारी एक डिजिट कम हो गई, तो अब हमारी इधर कितनी बची, 5। अब देखिए, 5 हमारी छोटी है और 8 हमारा बड़ा है। आगे सेकेंड स्टेप देखते हैं कि 5 हमारी छोटी है और 8 डिजिट बड़ा है, तो हम कैसे घटाएं, वही सेम मेथड कि अब हम 100 से एक डिजिट टेंस उधार लेगा, तो जो हमारा 5 है उसमें हमने टेंस को छोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 15। अब बचा हमारा 15, और 15 में से हमने 8 को घटाया तो हमारा आंसर आया 7। ऐसे ही अब हम 100 में जाएंगे, तो जब हमने इधर से एक डिजिट इधर ले ली तो हमारे जो 7 थे उसकी जगह हमारी कौन सी डिजिट बची, हमारी डिजिट बची 6, और 6 में से हमने 2 घटाया तो हमारा आता है आंसर 4। तो हमारा आंसर आता है 475। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इन वंस प्लेस 0-4 बट 0-4। देखिए, इन टेंस प्लेस वी हैव 0। टेंस प्लेस पर देखिए कि 0 है, सो वी कैन नॉट बोरो फ्रॉम टेंस, तो हम टेंस से बोरो नहीं ले सकते। दैन वी बोरो फ्रॉम हंड्रेड्स प्लेस, तो हम जो बोरो हैं वो हम 100 से लेंगे। नाउ द टेंस प्लेस बिकम्स 10। अब टेंस के प्लेस पर जो है वो 10 हो गया। नाउ वन कैन बोरो फ्रॉम टेंस, और फिर हम टेंस के प्लेस से वंस जो है वो उधार लेगा, तो वंस के प्लेस पर टेंस हो जाएगा। देखिए, वहाँ ये सवाल किस तरह से हैं। सबसे पहले डिजिट है 500 और 234 को हमें माइनस करना है। ऊपर देखिए, ऊपर 0 दे रखा है और नीचे 4 है, तो 0 में से 4 नहीं जा सकती, तो हमने टेंस से उधार मांगा, लेकिन टेंस कहाँ से देगा, क्योंकि टेंस के पास भी 0 है तो वो नहीं दे सकता। तो टेंस क्या करेगा, पहले वो 100 से उधार मांगेगा। टेंस ने 100 से मांगा तो 100 के पास क्या है, 5 है, तो 100 ने अपनी एक डिजिट टेंस के पास ट्रांसफ़र कर दी। तो जब 5 के पास से एक डिजिट टेंस के पास चली गई तो यहाँ पर 10 हो गया। समझ आया, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 10 हो गया। और टेंस से फिर वंस ने मांगा तो टेन ने क्या करा, अपनी एक डिजिट वंस को उधार दे दी, तो हमारा वंस के प्लेस पर कितना होगा, वंस के प्लेस पर 10 हो गया। लेकिन जो टेंस था उसने अपनी एक डिजिट वंस को दे दी, तो जो टेन था उसकी जगह उसके प्लेस पर 9 बच गया। तब देखिए, 10 में से 4 गए तो हमारे बचे 6, इधर हमारा क्या बचा, 9, 9 में से 3 गए बचे 6, और जब हमने 5 में से एक डिजिट अपनी टेंस को दे दी थी तो इधर रहेगा हमारे 4, और 4 में से 2 गए तो हमारे बचता है 2। तो आंसर आता है हमारा 266।
ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हम आगे सम्स करेंगे, कैसे करना है देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। वंस के प्लेस पर देखिए, पहले क्या है, वन और एट। टेंस के प्लेस पर सिक्स और फोर, और हंड्रेड के प्लेस पर है फाइव और टू। अब देखिए, वंस वन हमारी छोटी डिजिट है, तो वन में से हम एट को नहीं घटा सकते। तो अब हम टेंस से एक प्लेस मांगेंगे, एक डिजिट मांगेंगे, तो टेंस ने हमें अपनी एक डिजिट दे दी, तो हमारा वन में वन हमने प्लस करा तो हमारा क्या होगा, इलेवन। अब इलेवन में से हमारा एट गया तो हमारे बचे थ्री। अब इधर जब हमने टेंस से एक डिजिट वंस को दे दी तो हमारे इधर कितनी डिजिट बची, हमारी बचती है फाइव। इधर एक डिजिट कम हो जाती है तो हमारी बचती है फाइव, और फाइव में से फोर गया तो हमारा बचा वन, और यहाँ पे रह गया हमारा फाइव, और फाइव में से टू गया तो हमारे बचे थ्री। आगे देखते हैं, थ्री नाइन फाइव टू फोर नाइन। फाइव हमारा छोटा है, नाइन हमारा बड़ा है। वही सेम मेथड है कि फाइव में से नाइन नहीं जा सकते, हमने नाइन से एक डिजिट उधार ली तो इधर हो गया हमारा फिफ्टीन, फिफ्टीन में से नाइन गए हम तो हमारे बचे सिक्स, इधर रह गए हमारा एट, एट में से फोर गए तुम्हारे बचे फोर, इधर रह गए हमारे थ्री, और थ्री में से टू गए तो बचे हमारे वन। आगे देखते हैं, एट हंड्रेड सिक्सटी थ्री फोर हंड्रेड एट। थ्री में से हमारे एट नहीं जा सकते, हमने इधर से एक कैरी इधर उधार ली तो इधर हो गए थर्टीन, थर्टीन में से एट गए तो बचे हमारे सिक्स, इधर रह गए हमारे फाइव, फाइव में से जीरो नहीं जा सकते तो इधर रह गए फाइव, फाइव का फाइव आ जाएगा, और एट में से फोर गए तो हमारे बचेगा फोर। सेवन में से थ्री गए तो फोर, सिक्स में से एट नहीं जा सकते क्योंकि सिक्स हमारा छोटा है और एट हमारा बड़ा है, तो हम हंड्रेड से टेंथ में एक डिजिट उधार लेंगे तो हमारा आ गया सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट गया तो बचा एट, इधर रह गए हमारे फोर, फोर में से टू गए तो हमारे बचे टू। फाइव में से वन गया तो फोर, थ्री में से फाइव नहीं जा सकते, हमने इधर से एक कैरी ले ली थी, उधर हो गए थर्टीन, थर्टीन में से फाइव गए तो बचे एट, इधर रह गए थ्री, और थ्री में से टू गए तुम्हारे वन। एट में से सिक्स गए टू, जीरो में से फाइव नहीं जा सकते, हमने इधर से एक कैरी धर ले ली तो इधर हो गए टेन, टेन में से फाइव गए तो बचे हमारे फाइव, इधर रह गए हमारे सिक्स, और सिक्स में से थ्री गए तुम्हारे बचे थ्री। फोर में से सिक्स नहीं जा सकते, हमने एक कैरी इधर से इधर ले ली तो इधर हो गए हमारे फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स गए तो बचे एट, इधर रह गए मेरे टू, टू में से फाइव नहीं जा सकता तो हमने एक कैरी इधर से ली तो हमारा गया ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव गए तो बचे हमारे सेवन, फिर इधर रह जाते हमारी एक डिजिट सेवन, और सेवन में से टू गए तुम्हारे फाइव। थ्री में से एट नहीं जा सकता, हमने इधर से एक कैरी इधर ले ली तो इधर हो गए थर्टीन, थर्टीन में से एट गए तो बचे फाइव, इधर रह गया फाइव, फाइव में से नाइन नहीं जा सकता तो हमने एक कैरी इधर से इधर ले ली तो उधर हो गए फिफ्टीन, फिफ्टीन में से नाइन गए तो बचा हमारे सिक्स, और इधर रह गए हमारे सिक्स, और सिक्स में से फोर गए तो हमारा आंसर आता है टू। ऐसे ही फाइव, फाइव में से नाइन नहीं जा सकता, हमने इधर से एक कैरी इधर लेंगे तो इधर हो गए फिफ्टीन, फिफ्टीन में से नाइन गए तो हमारे बचे सिक्स, इधर आ गए टू, टू में से फाइव नहीं जा सकते, हमने इधर से एक कैरी इधर ली तो इधर हो गए ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव गए तो बचे सेवन, इधर आ गए एट, एट में से फोर गए तो बचे फोर। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, मोर सब्ट्रैक्शन मीन्स, और अब और सम्स दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन के। अब ये बच्चे सेल्फ करेंगे, मैं आपको एक बार फिर दोबारा समझा रही हूँ, एक बार समझ के सिर्फ मैं आपको इसमें दो या चार सवाल समझाऊंगी, और ये बच्चे आप अपने आप करने से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहले आपको टू डिजिट की समझाती हूँ। फोर में से एट नहीं जा सकता क्योंकि फोर हमारा छोटा है और एट हमारा बड़ी है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम थ्री से एक डिजिट उधार लेंगे। तो जब हमने थ्री से एक डिजिट उधार ली तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए फोर्टीन, और फोर्टीन में से हमने एट घटाया तो हमारे पास क्या बचा, सिक्स। और जब हमने थ्री में से एक डिजिट वंस को उधार दे दी तो हमारे एक डिजिट कम हो गए तो थ्री की जगह पर हमारे पास क्या बचा, टू, और टू में से वन गया तो हमारे पास क्या आंसर आते हैं, वन। ऐसे ही जीरो में से थ्री नहीं घटा सकते, हमने सिक्स से एक उधार ली तो हमारे पास हो गए टेन, और टेन में से थ्री गए तुम्हारे पास बचते हैं सेवन, इधर रहते हमारे फाइव, फाइव में से टू गए तुम्हारा थ्री। सिक्स में से एट नहीं घटा सकते तो फाइव से हमने एक उधार ली तो हमारे हो गए सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट गए तो बचा एट, इधर रह गए फोर, और फोर में से फोर गए तुम्हारी बचती है जीरो। ऐसे ही याद है कि जीरो में से थ्री नहीं घटा सकते हम, हमने जीरो टेंस से उधार मांगा लेकिन टेंस कहाँ से देखो, क्योंकि टेंस के पास तो खुद जीरो है, तो हमने फोर से, यानी कि हमने हंड्रेड से उधार मांगा तो हंड्रेड से पहले हम टेंस के पास लाएंगे,
फिर टेंस ने अपने 10 डिजिट पूरी कर ली और टेंस ने फिर हमें वंस को एक डिजिट उधार दी, तो हमारे पास हो गए 10, 10 में से 3 के तुम्हारे पास बचे 7। लेकिन जो टेंस है, जब टेंस ने अपनी एक डिजिट इधर दे दी तो 10 की जगह यहाँ पर क्या बचा 9, और 9 में से 8 गया तो बचा 1। और जब 100 था, 100 ने अपनी एक डिजिट टेंस को उधार दी थी तो 100 में 4 की जगह हमारा क्या बचा 3, और 3 में से 2 गया तो हमारा बचता है 1। ऐसे ही ये वाला सम्स है और ऐसे ही आपको ये सारे सम्स कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपने ये वाला लेसन फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।